नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। शराबबंदी वाले बिहार में 1 करोड़ से अधिक की शराब बरामद की गई है। 1 ट्रक और 5 पिकअप से ये शराब बरामद की गई है। राजस्थान निर्मित ट्रक्स और 5 पिकअप बरामद किए गए हैं कांटी थाना क्षेत्र में। मद्य निषेध विभाग की ओर से ये कार्रवाई की गई है। मद्य निषेध इकाई ने ये कार्रवाई की है और बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजस्थान निर्मित ट्रक है जिसे पकड़ा गया है। अनलोडिंग की जा रही थी, जो शराब आई थी उसकी खेप को विभिन्न इलाकों में भेजना था, इसको लेकर अनलोडिंग की जा रही थी। तभी गुप्त सूचना मिलती है और अचानक मद्य निषेध इकाई की टीम पहुंचती है और कार्रवाई करती है और ट्रक और 5 पिकअप को जब्त किया गया है। करीब 1 करोड़ से अधिक की शराब बताई जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं मद्य निषेध अधीक्षक? मद्य निषेध मुजफ्फरपुर टीम के द्वारा रघई कांटी थाना अंतर्गत रघई पुल के पास एक ईंट भट्ठे से एक शराब का ट्रक और 5 पिकअप को पकड़ा गया, जिसमें शराब अनलोड करके विभिन्न स्थानों पर भेजा जा रहा था। ये शराब करीब 1 करोड़ रुपये शराब और करीब 550 से 600 पेटी होने की, जिसकी गिनती अभी चल रही है। कहाँ की गाड़ी थी सर? ये गाड़ी राजस्थान नंबर की गाड़ी है और इसमें और छानबीन कर रहा है कि किस रूट से ये वगैरह कुछ माफियाओं को पता जानकारी। हाँ, माफियाओं की इसमें जानकारी हो गई है। जिस गिरोह का काम है उस पर कार्रवाई की जा रही है। इस शराब उतारी जा रही थी उतार ट्रक से उतार करके पिकअप पर रखी जा रही थी। तो बिहार में करोड़ों की शराब बरामद की गई है। राजस्थान नंबर ट्रक था और करोड़ों की शराब भेजी गई थी। करीब 1 करोड़ से अधिक की शराब बताई जा रही है। मौके से 1 ट्रक और 5 पिकअप को जब्त किया गया है। आय की कार्रवाई की जा रही है। किस शराब माफिया के द्वारा ये शराब भेजी गई थी उसको लेकर पड़ताल की जा रही है। लेकिन बड़ी सफलता हाथ लगी है मद्य निषेध विभाग को। मद्य निषेध या उत्पाद अधीक्षक संजय राय ने आपको बताया है, जानकारी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है कि गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई है, आय की कार्रवाई की जा रही है और कांटी थाना क्षेत्र के रघई घाट पुल के समीप एक ईंट भट्टे से ये कार्रवाई की गई है और भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। करीब 600 पेटी शराब बरामद की गई है। 1 करोड़ की शराब है ये और इसे जब्त किया गया है और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही शराब माफिया पकड़े भी जाएंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।